सिंगरौली के देवसर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की हिदायत दी। पुलिस ने यातायात को सुगम बनाने के लिए अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की बात भी कही है। यातायात को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए देवसर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी को बनाए रखने व मुंह पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने के लिए लोगों को हिदायत भी पुलिस ने दी। देवसर के SDOP आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि देवसर के बाजार की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और व्यवस्था को सुचारू एवं सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था व आम जनों को समस्या ना हो। प्राथमिकता तो ये है कि जैसे ही मैंने पदभार ग्रहण किया है, यातायात की बहुत बड़ी समस्या दिखाई दी मुझे, जो पूरे मार्केट पर गाड़ियों का अतिक्रमण रहता है, इसके खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जाएगी। दूसरा, अवैध मादक पदार्थ जैसे कुछ कोरेक्स की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इन सब पर लगाम लगाया जाएगा और सूचना प्राप्त करके कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त महिला संबंधी अपराध और STSC एक्ट, इन चीज़ों का प्रॉपर सुपरविजन और इन पर प्रिवेंशन दोनों हो सके, ये हमारी पहली प्राथमिकता। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।